अरे पंडित जी, ओ पगफेरे का तो मुहूर्त निकालना है, पर एक और मुहूर्त निकालना है हमका। वो कहा है कि हमारी जो बहू है ना, वो बिना मुहूर्त काम ही नहीं करती, तो पंचांग लाने का मुहूर्त निकाल दो। क्या ही है? से मुझे बहुत पसंद है। फनी है ना, मतलब अब कितनी मजाकिया है ना। हाँ, आज तो हम भी देख रहे हैं, बहुत मजाकिया है। अरे आओ बिलोट राजे, इधर आओ। अब तुम ऊपर सरको और आराम करो, ऑफिस वाफिस शुरू हो जाएगी तो आराम ना ही मिलेगा। ऐसे भी शादी में बड़ी थकान लगी होगी है। जा सरको, चलो सब आराम करो। क्या तुम लोगों को दूसरी भाषा में कहे का? ए प्रीतिया, तुम्हारी छुट्टी कितने दिन की है? थोड़ी बची है अभी। कितनी? चार। चार? हाँ ठीक है ठीक है, और फिर भी बैठो बैठो, थोड़ा आराम करो। चलो अब सब खत्म हो गया, पूजा हो जा, बहुओं को भी लेके जाओ, हैं बैठो आराम करो, गप्पे उप्पे मारो है। पंडित जी आप ले लीजिए झोले में आपकी दक्षिणा, चलो। रिया जी, आपसे एक बात पूछे। हाँ पूछो। आपसे इस घर में सब अच्छे से बात करते हैं ना? सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं मुझे। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे नहीं नहीं, वो नानी जी जी बहुत सख्त है ना, तो हमने तो कुछ और ही देखा इसीलिए पूछा। जैसे आपकी सासू माँ बहुत अच्छी है, और शिवम भैया वो भी बहुत अच्छे हैं। एक और बात पूछूं? हाँ पूछो। वो आप को अमित जी पे गुस्सा आया था ना? नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, वो हमने पाँव पड़ने वाली बात पे देखा था ना, सो इसीलिए हम कह रहे थे आपसे। सच कहें तुमसे, वो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दोनों भाइयों के बीच की बात है, तो है क्यों बीच में बोलूं? एक बात और बोलूं? हाँ। देखो हम समझते हैं कि शादी में जो कुछ भी हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया है उसे तो मैं बदल नहीं सकती ना, इसलिए जो कुछ भी हुआ ना रानी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अरे अरे सॉरी काहे बोल रही है, और जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, हमको हमारा प्यार मतलब कि अमित जी हमें मिल गए, इससे ज्यादा और क्या अच्छी बात हो सकती है ना? हाँ। एक और बात कहें हम आपसे, आपकी पहली रात कैसी थी? नहीं हूँ, मतलब कि इस घर का एक रिवाज है कि जब तक सत्यनारायण जी की पूजा नहीं होती ना, पति पत्नी एक कमरे में सो नहीं सकते। हाँ वो हम तो भूल ही गए थे, अब पहले सत्यनारायण की पूजा होती है, पर आज तो आपकी पहली रात होगी ना? हम आई होगी या नहीं वो तो हमें नहीं पता। ऐसा क्यों बोल रही हो? हमारा कमरा कौन सा जाएगा? तो सही बोल रही हूँ, जिस सिचुएशन में हमारी शादी हुई है ना, उसमें ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आई होंगी सबकी, है ना? अरे नहीं नहीं, इन मर्द लोगों का ना स्वाभिमान कुछ ज़्यादा ही होता है, हमेशा लड़ते रहते हैं, पर हम लोग तो दोस्त हैं ना, कभी नहीं लड़ेंगे। वैसे आप हनीमून के लिए कहाँ जा रही हैं? मतलब कि हम और अमित जी भी आपके साथ चलेगा? हनीमून के बारे में तो हमने अभी सोचा ही नहीं, और पता नहीं कि हम लोग हनीमून के लिए जाएंगे भी या नहीं। अरे तो शिवम भैया से पूछो ना, और टिकट भी करवा लो ना उनसे कह के। हम शिवम से बात तो कर लेंगे, लेकिन बुआ जी और अमित जी मान जाएंगे? अरे
नहीं, हाँ हाँ मान जाएंगे, हम उनको मना लेंगे, आप ना इस बात की चिंता मत करिए। और वैसे भी इन सब मामलों में ना हमारा दिमाग कंप्यूटर जितना तेज चलता है। ठीक है, हम शिवम से बात कर लेंगे। हाँ लेकिन तुम एक बार फिर से सोचो ना, अभी अभी घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, बुआ जी को पुलिस अरेस्ट करने आई थी और इतना सब बवाल हुआ था। हाँ हाँ पुलिस आई थी, वो सासू माँ को लेके भी जा रही थी, लेकिन हमने बचा लिया उनको। हम गए और पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि हमारी सासू माँ बहुत अच्छी है, बस उन्होंने छोड़ दिया। बस आप चिंता मत करिए, इस मामले में ना हम सब कुछ फटाफट ठीक कर देंगे। हाँ ठीक, तो मैं शिवम से जरूर बात करूंगी। बात करना। ठीक। दोनों भाभियों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? नहीं नहीं, वो हम बस रिया जी से हनीमून के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, साथ में जाएंगे फिर अलग अलग, और बस यही बात। शिवम भैया से आप बात करिएगा ना, शिवम भैया से हम जरूर बात। अरे अरे आप दोनों टेंशन मत लो, मैं भैया से बात कर लूंगी। तुम शिवम से कोई बात नहीं करो। क्यों, भूल गई अभी बाहर क्या हुआ था? देख रही हो अम्मा, हमारी जेल यात्रा की कथा कितने विस्तार पूर्वक सुना रही है हमारी बहू। सच्ची में ऐसी तिकड़मी बहू लाकर तो हमने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। काहे फिकर कर रही है हम, है ना? अम्मा फिकर तो होगी ना, कितनी चिंताएं हैं, कहीं से 5 लाख मिल जाते तो थोड़ा सहारा हो जाता। मिलेंगे मिलेंगे पैसे, पहले हम इससे तो निपट ले। रनिया, देवरानी से बात करने के लाने पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो हमारे कमरे में सरक नेक बेक देना है, चल। बिट्टो रानी अपनी भाभी के जेवर निकाल दे, इतना वजन शरीर पे लेके कब से बेचारी घूम रही है। पंडित जी को चाय दी का? हाँ दे दे। और तुम्हारी अम्मा कहाँ सरक गई? पंचागला ने बोला था खत्म हो निकले, नाश्ता देना। हाँ। पंडित जी नाश्ता भी भिजवा रहे हैं, हम आ रहे हैं, चल सरक। चल चल। चलिए भाभी जी जेवर उतार लीजिए। हाँ ऐसे भी मम्मी ने बहुत बढ़िया सा खाना बनाया, शाही पनीर। पनीर? हाँ मैं पनीर नहीं खाती। क्यों? अरे अब तो खाना पड़ेगा आपको। ऐसे किसे नहीं खाओगी, आपकी सासू माँ ने बनाया। हाँ। चलो नई नई सासू माँ, अरे जरा अपनी नजरें इनायत हम पर भी फेर देती। देख रहे हैं जैसे आप सास बनी हैं तब से पति परमेश्वर जो है वो फाके मार रहा है। अरे जरा हमरे साथ भी बिजी हो जाइए, 2 मिनट पाप लगेगा का? ताने मारना बंद करिए, ताने तो आपका बेटा आपको मार रहा होगा। सत्यनारायण की पूजा खत्म हो गई, अब सुहाग रात है शिवम की। तो उसकी सेहत सजवा दो ना। अरे दिमाग टमटमा गया है तुम्हारा, है बोरा गई हो? अरे बाप है उसके भाई, बाप थोड़ी ना सेठ सजाता, का बात कर रही है? अरे काहे नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, अब आपका और हमारा जमाना तो रहा नहीं है, नया नया जमाना है बच्चों का, मतलब हमने फिल्मों में देखा है, है? वो पूरे ऐसे गोल गोल बिस्तर होता है, बीच में ऐसे गुलाब की लड़िया, ऐसे ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक गजरे की लड़िया, इर्द गिर्द पूरे बिस्तर के, मतलब सामने वाली दीवार पीछे वाली दीवार दिखेगी, सिर्फ गजरे 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 की महक। सुनो मलकाई, ये का देखाती हो तुम भाई, है कहाँ देखाती हो जरा बताओ आज, मतलब हमें तो ना मौका मिलता है और ना मतलब। अरे फिल्मों में देखा है और क्या, काम करे गया तो ये कमरा भी सजवा देगा जरा थोड़ा है? सच्ची, अरे हम जितनी सीधी बात करने जाए ना आपसे, आप उल्टी ही बात का कान मरोड़ दोगे। अरे उल्टी का बात मतलब, अरे बाप है हम उसके भाई, हम सेज कैसे सजा सकते, कौन सी दुनिया में रहती हैं आप, ये भाभियों का काम होता है, भाई भाई करते हैं काम, हम थोड़ी ना करेंगे। शिवम की दोनों बहनें
छोटी छोटी। नमिता प्रीति से तो नहीं कह सकते कि जाओ बड़े भाई के सुहाग की सेहत सजाओ। भाई के नाम पर रह गया अमित। अब जिस परिस्थितियों में शादी हुई है भाई इन दोनों की, अमित को तो कहने से रहे हम, आप मना कर रहे हैं। तो अब बची है अम्मा जी। अम्मा जी, अम्मा जी से कह दो बहुत सही काम करेंगे एकदम, कम में ज्यादा। उनसे बेहतर ये चीज और कोई कर नहीं सकता, उनसे करवाओ। हाँ करवाएंगे, उनसे ही करवाएंगे है? किसी की जरूरत नहीं है हमको। अरे मलकाएं, हम खुद काफी है, हम खुद ही करा देंगे हमारे बेटे की सुहागरात। कोई हक? अरे अरे गुस्सा काहे हो रही हो भाई, काहे गुस्सा हो रही हो? ये देखो गुड़ से मीठी हो, मक्खियां तुम पे ही बैठती हैं आखिर। मजाक ना करो। सुनो सुनो सुनो, अरे वाजपेयी जी के लड़के को कह देंगे, वो करवा लेगा, हो जाएगा। काहे तुम परेशान हो रही हो? हां तो ऐसा बोलो ना। अच्छा बहुत बहुत गंभीर दिख रही हो तुम ये काम करवाते हुए। इतना गंभीरता से तुम्हें कोई काम करते देखा नहीं है, सालों हो गए हैं। लड़की की सेज सजवानी है और ऐसा लग रहा है पंचवर्षीय योजना का सबसे गहन मुद्दा है ये। बहुत उत्साह है हमें, शादी की कोई तैयारी करने का तो मौका मिला ही नहीं, अब एक ही काम बचा है। एक बार बताओ का? बोलो ना उसके बेटे से। अरे बोल रहे भाई, कर देंगे फोन। तुम्हें पंचांग मिला कि नहीं? अरे नहीं। हाँ पंचांग, पंचांग हम चाय भिजवाते हैं। अब तुम पंचांग ढूंढ लो, चाय की छोड़ो। जरा हमारी तरफ नजरे घुमा, क्या बात कर रही थी रिया से? बड़ी बनने की कोशिश कर रही थी? नहीं नानी जी, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे थे, वो तो हम हनीमून। पतलून नहीं पहन सकती, देख पतलून। पतलून नहीं अम्मा, हनीमून। हनीमून ना? हाँ। ये आजकल के दूल्हा दुल्हनों का नया ढकोसला है, शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन हाथ पकड़ के कहीं सैर सपाटे पे चले जाते हैं। हनीमून के? उसको हनीमून कहते हैं। अरे और कोई जगह नहीं मिलती तो हरिद्वार ऋषिकेश ही चले जाते। हरिद्वार ऋषिकेश तो बुड्ढे डुड्ढे जाते, शादी के बाद दुल्हन दूल्हा हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे। ए ज्यादा उड़ मत, ये तो काशी भेज देंगे भजन करने के लाने। अब सुन, नेक देने के लाल ने बुलाया था कमरे में, और ये बार नेक में सामान नहीं देंगे, सलाह देंगे। तो कान के पर्दे खोल और हमारी बात सुन, ऐसी सलाह दे रहे जिंदगी भर काम आएगी। अगर अपने परिवार के किसी सदस्य या परिवार की कोई बेइज्जती करे, वो तुम्हारा जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। का? दुश्मन? दुश्मन बन जाता, दुश्मन बन जाता है। और अगर उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करोगे, फिर तो तुम्हारी जिंदगी कभी ना ही सुधरेगी। समझ रही है? समझ रहे। रिया के साथ सगी सहेली बनने की कोशिश भी मत करना। अगर हमारी सरला या अमितवा को जरा भी दुख होगा, तो हम तुम्हें वो हनीमून के लाने ऐसी जगह भेज देंगे ना, आपके भगवान भी ना ही ढूंढ पाएंगे तुम्हें। जी नानी। रिया है ना तुम्हारी देवरानी है, तुम जेठानी हो, इज्जत करवाओ अपनी उससे। बात समझ में आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। अमितवा के साथ रिश्ता अच्छा बना के रखना है, ईला नहीं सब सलाह दे रहे हैं हम। अब सर को रसोई में कुछ काम मत करना, काम करने की नौटंकी करना। हम चाहते हैं कि अमित की बहू शिवम की बहू से 20 साबित हो। बस बात सुन ले और समझ गई? हाँ, समझ गई। तुझे हम बचपन से देखते आ रहे हैं ना, है? तुझे हम प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि तू सुखी रहे, ई लाने ही सब बता रहे हैं, दिमाग में बात घुसा दे। जी सर। हाँ अम्मा, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तू भी सुन ले। रिया की इतनी तारीफ करना ही रनिया के सामने, ये खुदे चिढ़ने लगे रिया से। गीता साहब,
संसार के बाद तो अब हमें शांति सार ही अच्छे से समझ में आया है। सच्ची बता रहे नहीं सच्ची बता रहे अम्मा, ये गृहस्थी भी युद्ध भूमि होती है और यहाँ का एक ही नियम होता है कि बांटो और राज करो। और वही हम करेंगे, वही करेंगे हम। अब तुम तो इतनी शातिर हो नीति नियम बनाने में, तुम ही हमें बता दो कि तुम्हारी आंटी से 5 लाख निकालने के लिए हम क्या करें। निम्मी, मैं अभी आती। निम्मी, आई मम्मी। मम्मी यार चलो यार यहाँ से, मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। हमारी अम्मा ने भी सही कोटी घुमाई है, 5 लाख देने वाले थे 1.5 लाख टिका रहे। मतलब यार हमारा तो खून खोल रहा है यहाँ पे। सर शांत रहे ना, अभी जितना आ रहा है आने थे, जो बाकी बचा हुआ वो बाद में सरकार लेंगे ना। कब से उस नागिन के सामने बीन बजा रही हो, वो एक नाचने का नाम नहीं ले रही है। का घुसुर पुसुर चल रही है अम्मा बेटे में। अरे अब गरीब की गृहस्थी किस तरह चलेगी, इसी जोड़ तोड़ में लगे हैं अम्मा। अब सब इतने नसीब वाले थोड़ी होते हैं कुसिया भाभी की तरह सारा घर आसपास नाचता रहे। बहुत काम है, अब हमें मुक्त करो। अमित यही कह रहा था, चलो मम्मी घर चलते हैं। हाँ कर देंगे मुक्त, मुफ्त में मुक्त कर देगा। रियो कुसिया, तुम्हारी सारी अकल शादी में बहा दी का? कब से बोल रहे पंचांग ढूंढ पर नाए, तुम्हारे एक कान से बात अंदर जाती और दूसरे कान से सरक जाती। तो एक काम कर, कापूस का गोला एक कान में डाल दे तो क्या है, बात अंदर अटक जाएगी, तुम्हारे दिमाग तक पहुंच जाएगी। अरे वही ढूंढ रहे अम्मा जी, कहीं नहीं मिल रहा है। हमारे कमरे में ढूंढा, हॉल में ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया। अब आपका कमरा एक बाकी रह गया है, वहाँ ढूंढने जाकर जा सकते तो आप। अकेले सो तो मिलेगा नहीं तुझे है? अरे यार इनको बोलो ऐसे उठकर हमारे भी पैसे दे दें, तो इनकी नौटंकी तो वैसे ही संभाली नहीं जा रही हमसे। अरे निकालेंगे रुक। दूर नहीं है यहाँ तो, इधर भी नहीं है अम्मा जी। तुम्हारी मृगनेनी आंखें लगता है कांच के बटन है। अच्छा दिखता ना, ये उम्र में हमारी आंख देख इधर से दिखता है। मिल गया है भगवान। धूल क्या, ये साड़ी कितनी खूबसूरत है। लेकिन सिलवटे पड़ गई अम्मा जी, हम इस्त्री कर देते हैं इसको, कल पहनने में काम आएगी आपको। है बहुत सुंदर है, तो नजर लगा रही है क्या? रहने दे सिलवटे, हम ऐसे ही पहन लेंगे। अरे करना था तो पहले ही कर देती हैं, आलसी एक नंबर की आलसी बन गई है तुम। हेल्प कर दो। नहीं मैं कर लूंगी। बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां, सह लूं साथिया।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।